नमस्कार, स्वागत है आपका अवर कुजीन में। आज हमारी किचन में बन रही है वेज बिरयानी, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वेज बिरयानी बनाना। यहाँ मैंने सभी सब्जियों को काट कर धो लिया है। यहाँ एक पैन में मैंने 2 ग्लास पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं 1 कटा हुआ आलू, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, ये सब्जियों को मैंने डाइस में काटा हुआ है, 1 गाजर, 1 फ्रेंच बीन्स लिए हैं, 250 ग्राम गोभी ली है, 5 मिनट के लिए हमने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। देखिए ये हल्का सा ब्लांच हो गया है, अब इसे हम अलग रख देंगे। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे, लगभग 1/2 टेबल स्पून जीरा या शाह जीरा डाल सकते हैं आप, और बाकी के खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी हो गया, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और वो छबीला। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच शुद्ध घी लिया है, ये वचन का घी है, आपको जो अच्छा लगे वो वाला या घर का निकला हुआ शुद्ध घी डाल सकते हैं, शुद्ध घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ 3 से 4 स्लाइड की हुई मिर्च, 1 बड़ा प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 1/2 प्याज को लाल होते तक भूनना है, 1/2 ठंडी के मौसम में ताज़ी मेथी पत्ती मिलती है इसलिए मैंने ताज़ी मेथी पत्ती डाली है, इसकी जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ¼ चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिला लें। फिर यहाँ मैंने प्याज, अदरक और लहसुन को पीस लिया है, 1 बड़ा प्याज, 8-10 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको पीस कर हम इसमें डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर मिला लें। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच मीट मसाला डाला है, आप चाहे तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, पर मीट मसाला का स्वाद मुझे बड़ा पसंद है इसलिए, और बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आता है मीट मसाला डालने से। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर को पीस के उसका पेस्ट डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट डालने से हमको दही वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस मसाले को अच्छी तरीके से ढककर पका लेना है। हम इसमें एक अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, ध्यान रहे अगर आपने चावल में नमक डाला है तो कम डालें, मैंने चावल में नमक नहीं डाला था इसलिए मैंने 1 बड़े चम्मच नमक डाल दिया। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, हमने जो सब्जियां उबाल कर रखी थी
उन सब्जियों को हम इस मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो इसे तलकर भी डाल सकते हैं। यहाँ एक बड़ा कटोरी मटर लिया है और ये पता नहीं मैं क्या सोच के डाल रही हूँ, पर हाँ एक कटोरी मटर डालना है वैसे ऐसे वियर्ड हरकतें मैं करती रहती हूँ तो प्लीज़ इग्नोर। अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लें कम से कम 5 मिनट के लिए। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वैसे भी पहले से ही सब्जियां बॉइल्ड हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मैंने 2 बड़े गिलास चावल, लगभग 500 ग्राम चावल को धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर धो लिया है और 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने भगोने में पानी लिया है, उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसमें हम जितने भी खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे, यहाँ मैंने 2 इलायची, 5-6 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 बड़ा इलायची, 1 स्टार फूल और जावित्री, छबीला और 2 तेज़पत्ते के डाले हैं। अब हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे। उसमें अगर जैसे थोड़ा उबाल आ जाएगा हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक और जैसे ही अच्छे से उबाल आने लगे तो हम इसमें चावल डाल देंगे। जैसे ही चावल में एक उबाल आ जाए और चावल लगभग 50% तक पक जाए तो हमें इसे पसा लेना है। देखिए चावल हल्का पक गया है, हम इसे अगर उंगली से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा आसानी से, हमें इतना पका लेना है। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वो अपने ही भाप में भी पकता रहता है, इसलिए 50% ही पकाएं। यहाँ मैंने चावल को पसाने के बाद उसमें से चावल को 2 अलग अलग थाली में निकाल लिया है। अब हम इसमें लेयरिंग करेंगे,
एक परत चावल का, उसके ऊपर एक परत सब्जी का लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक परत चावल, फिर एक परत सब्जी और फिर ऊपर में एक परत चावल लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने किया है, पहले चावल रखा, उसके ऊपर सब्जी जो हमने बनाई थी वो रख ली, उसके ऊपर जो एक थाली में चावल था वो रख लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सब्जी रख लेंगे, उसके बाद फिर एक थाली में जो चावल रखा था वो रख के हम इसे ढक कर पकने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए सिम पे एकदम धीमी आँच पे रखना है। यकीन मानिए आप इस तरीके से अगर वेज बिरयानी बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आएगा। चावल को अगर आप 50% में ही पसा देते हैं तो वो देखिएगा बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर गल जाएंगे, इसलिए चावल का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 50% पकने पर उसे तुरंत स्ट्रेन कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जलेबी रंग को पानी में घोल कर रखा था, उसे चावल के एक साइड डालना है। अब थोड़ा धनिया काट के डाल दें। आप जलेबी रंग के जगह केसर को पानी या दूध में भिगाकर भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच रोज़ वाटर या गुलाब जल डाल दें। 5 मिनट के लिए हमें इसे ढककर छोड़ देना है बिल्कुल धीमी आंच पर, फिर अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए हमें उसे रेस्ट करने के लिए रहने देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट, तभी आप इसे मिक्स करके निकालें। आपके चावल एकदम खिले खिले और बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार मेरी बताई विधि के अनुसार वेज बिरयानी बनाकर ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं आपको यह डिश कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।